सुबह शाम ही मैनू 2000 रुपये मिल जाने चाहिए थे। जी ठीक है। एक गल होर, मैनू धोखा देने की कोशिश ना करना। इंटरव्यू भी ठीक होएगा, मैं वर्मा नाल गल कीती हुई है, ओ तेरी जरूर मदद करेगा। खरे साड़ी प्रार्थना ओदे कन्ना च नहीं पहुंचती, असी पापी हाँ ना, बड़े पाप कीते हैं ते उन्हां पापां दी सजा ते भुगतनी पौगी। आ गई पुत? हाँ माँ जी। अच्छा किद्दा होया तेरा इम्तिहान? टेस्ट विच तो पास हो गई माँ जी। हाय रब्बा, लगता है साढ़े भैड़े दिन खत्म हो गए। पर माँ जी ये तू वड्डा इम्तिहान अली बाकी है। मैं जानती हूँ पुत, तू फिक्र ना कर, ओदे च भी तू पास हो जाएंगी, वाहेगुरु तेरी मदद करेंगे। मैं कई बारी सोचती हूँ पुत, तू साडे घर आके की सुख पाया। मैनू तुहाडे वर्गी मां जो मिली प्यार करने वाली। काश तू मेरा पुत हुंदी। मां जी हुण भी तो तुहाडा पुत्र ही हाँ, तुहाडे पुत्र नाल मेरा विआह होया है, मैं पुत्रां वाले सारे फर्ज पूरे करांगी। इको पुत्र होना ना होना कोई फर्क नहीं उहदा, ते इक तू है जिहड़ी पराई होके भी मेरी इन्नी सेवा करदी है। मां जी तुसी हाले तक मैनू पराई समझदे हो? अपनिआं ने बड़ा सताया पुत, तू पराई होके भी बड़ी चंगी लगदी, इक ऐथे वाला निकम्मा, ना कम दा ना काज दा, दुश्मन अनाज दा, ते दूजा ओ वलैत बैठा है, बड़ा पैसा ओदे कोल, जे चाहे ते साड़ी मदद कर सकदा है। मैं चिट्ठी तो लिखी सी मां जी। नहीं हाँ सच एक चिट्ठी आई है, देख ओदी तां नहीं है, की लिखिया है? मां जी वो पैसा नहीं भेज सकते, चिट्ठी ची लिखते ने जे वो लंडन विच तुहाडा इलाज करा देंगे, पर टिकट का इंतजाम सानू आपू ही करना पवेगा। मोया कसम नू खाना, चिट्ठी भेजन लई तां साडे कोल पैसे नहीं, कहिंदा कहिंदा टिकट लैके आ जाओ, अन्ना होया दीनदा नहीं उहनू साडे की हालात ने। प्रीतो फरमा जी तुसी आओ बैठो। मैं जरा जल्दी चाहेगा, बस तेरे नाल कुछ गल करनी है। मां जी वर्मा जी ने, नमस्ते जी, इन्होंने टेस्ट विच मेरी मदद की थी सी। पर मां जी असली काम इंटरव्यू ते हल्ले बाकी ये। वर्मा जी मैंने थोड़ी मोहलत होर दे दियो, मेरे घर की हालत ते तुसी वेख ही चले। प्रीतो मैं कितना टाइम दे सकना, वध तो वध एक दिन होर दे सकना, पर याद रखी 6 तारीख दा इंटरव्यू है, उस तो बाद मैनू कुछ ना कही। ठीक है मैं कल तक कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लवांगी। और कमाल है, मैं शामी दफ्तर ही तेरा इंतजार ही करदा रहा। की कहवा मैं कोई इंतजाम नहीं कर सकी था। वेख ले इंतजाम कर लेंगी, तेरे वास्ते चंगा रहेगा, ठीक है ना? मैं दफ्तर दे बाहर तेरा इंतजार करांगा, समझ गई ना? ए की कह रहे असी पुत? कुछ नहीं मान जी। कुछ नहीं सत श्री अकाल वीर जी। प्रीतो सतरीकाल, की गल है? वीर जी एक बड़ी मुसीबत विच फस गई हां। बह दस की गल की है? फिर जी
मेरी सरकारी नौकरी का इंतजाम हो गया है, पर उहदे लई मैनू 2000 रुपए चाहिए ने। तुहानू तां पता है कि मेरे कोल इक पैसा भी नहीं, तो मैं 2000 रुपए कित्थों देंगी? तुसी मेरी कुछ मदद कर सकते हो? कदों चाहिए 2000 रुपए? 2000 रुपए कल ही चाहिए ने, परसों तो फिर इंटरव्यू है। सच दसा प्रीतो, कल तक तो मैं कोई इंतजाम नहीं कर सकता, दो तीन दिन का टाइम देवे तो मैं कोशिश करना। पर वीर जी, मैं तो एक दिन का भी टाइम नहीं दे सकती, रुपये तो मैं कल ही चाहिए ने। माफी चाहना प्रीतो, एड्डी वड्डी रकम का इंतजाम मैं एड्डी जल्दी नहीं कर सकता, ये नामुमकिन है। कुड़ी लायक होवे या ना होवे, तुसी कह दिता, काम ते करना ही पड़ेगा। थैंक यू वरना। वीर जी। अरे प्रीतो तू आ बैठ, उन्हें तेरे बारे में थी गल कर रहे सी असी। सस्रिया का वर्मा साहब, बहुत लायक कुड़ी हैगी है, शायद वैसे मैं कल दफ्तर आई जावा, पर तुसी डॉक्टर सिंह ते रतन साहब नाल जरूर गल कर लेना, ऐ काम वर्मा साहब होना ही चाहिए। भाई इन्हों का काम तो करना ही पड़ेगा, तुसी तो लड्डू खवाने की तैयारी करो। जरूर। सुन लिया प्रीतो, हूँ तू निश्चिंत होके कर जा, तेरा काम समझो हो ही गया, वर्मा साहब डॉक्टर सिंह नू जरूर कह देना। भाई इन्हों लई ते कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने मैनू खास लड्डू खवाने का वादा जो किया। हाँ वर्मा, हाँ तेनू तेरी मेहनत के लड्डू जरूर मिलनगे, क्यों प्रीतो? जी वीर जी। तो कहाँ दी फिकर, ये फिकर होके जा नौकरी लई। हाँ ऐत की प्रीतो नु नौकरी मिल ही जाएगी। परमा जी तुसी? हाँ मैं। पहला इंतजाम हो गया? नहीं परमा जी। तो फिर मैं की कहूँ डॉक्टर सिंह ते रतन लाल लो? मैं तो अपने वालों बहुत कोशिश की थी, पर मैंने पता सी एनजी होएगा। तुम्हारा की मतलब? मैं मुकर रही हूँ। और की मुकरना और किन्नू आख दे? नहीं वर्मा जी ये गल नहीं, पर इंतजाम ही नहीं हो सकया। देखो मैडम, या तो पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो फिर मेरी दूजी गल मान लो। दूजी गल बोलो, हाँ या ना? अच्छा चलना मां, कल फिर इंटरव्यू तो बाद। बस वाले ने भी लेट कर दी, इन्हों का भी स्यापा ही रहता है, पता नहीं की होएगा। फिकर ना कर, मैनू पता ही नहीं सी कॉल लेटर बारे, कल ही पता लग गया। प्रीतो तेनू की होया, इन्नी घबराई हुई क्यों है? घबराने की कोई लोड़ नहीं है, टेस्ट विच तेरा दूजा नंबर है, ते तो जरूर सिलेक्ट होएगी। ले हुण की सोचन लग पई? पता नहीं जिंदगी की दसती है। फिलहाल साढ़े इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, छेती कर, चल अपना मूड भी ठीक कर ला। चल चल। आज तो प्रीतो का इंटरव्यू सी, मैं काफ़ी लेट हो गया, पता नहीं की होया उन्हें, चल के देखना। प्रीतो मैनू माफ कर दे, मैं काफ़ी लेट हो गया, दरअसल मेरा स्कूटर खराब हो गया सी, मैं पैदल आ रहा वहाँ। ए दस तेरा इंटरव्यू किवें होया? इंटरव्यू तो चंगा हो गया वीर जी, मैनू लगता मैनू ये नौकरी भी जरूर मिलेगी, पर की? ले वर्मा साहब आ गए। वर्मा साहब, प्रीतो कह रही है उदा इंटरव्यू बहुत चंगा होया। भाई इन्हों का काम तो कराना ही पड़ेगा, इन्हों को
अज ही लड्डू खवा दें। ओ तुसी लड्डुआं की चिंता ना करो, पहला अपॉइंटमेंट लैटर से चेयरमैन के साइन ते आंदे हो। ओ भी हो जाएंगे, कानू चिंता कर दे। अच्छा जी मैं चलना, हूं तो मुलाकात होंदी रहेगी। ठीक है, ओके वर्मा। की गल है, तू कुछ घबराई हुई लगती है? नहीं नहीं, ऐदां दी कोई गल नहीं। नहीं नहीं, गल ते कोई है, तू इस तरह कर, घर चल। चंगा होया सारे सर्टिफिकेट नाल ला देते सी, तेरी फाइल ते पूरी कंप्लीट है, कोई कमी नहीं। चल। अरे आराम नाल प्रीतो, चाह डुल जाएगी। तेरा सिलेक्शन पक्का है, इंटरव्यू भी बहुत चंगा होया, फिर फिक्र कानू कर दी है। की गल है प्रीतो, तू कुछ छुपा रही है? वीर जी एक गल कह। हाँ हाँ जरूर कह। ओ फर्मा जी, फर्मा जी ने। हाँ हाँ फिर जी, मैंने आज इंटरव्यू खत्म होते ही फर्मा जी ने 2,000 रुपये देने पैने, नहीं तो। ठीक है, 2,000 रुपये? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ वीर जी, मैं सच कह रही हूँ। उन्हें तेरे को 2,000 रुपये मंगे ने? मैं इतना बड़ा कमीना है, मैनू नहीं पता सी। इस कमीने नु ता तेरे वीर जी ने डॉक्टर सेठ नु कह के ते नौकरी ते लगवाया सी। तुसी चलो मेरे नाल डॉक्टर सेठ दी घरवाली कोल, उदी सारी करतूता जाके दसांगे। नहीं कौशल्या, नहीं, असी डॉक्टर सेठ दे घर नहीं जावांगे। मैं ऑफिस विच पूरे एडमिनिस्ट्रेशन दे अगे ओनु नंगा करांगा, और जे मैं ओनु इस दा सबक नहीं सिखाया ना ते मेरा नाम भी। फिर जी ना, तनी राम वीर जी ने वर्मा नू उपर तक शिकायत करन दी धमकी दिती ते ओ डर गया। फिर उसे दिन शामी उन्ने आके मेरे को माफी मंग ली। मैडम तुहाडी नौकरी का की बनया? मिल गई, इस वारी मैनू सरकारी नौकरी भी मिल गई। सालां दी तपस्या सफल हो गई ते फिर जिंदगी पटड़ी ते आ गई। परियां तो सीने च दब्बे दे सुपने साकार होन लगे। सुपने कदी मरदे नहीं, उन्हां दा फिर जन्म हुंदा है। सौंदियां जागदियां उठदियां बैठदियां कदे भी मेरे सुपने भी हाथ बदा के मैनू छून लगे। पर जिंदगी, जिंदगी इन्नी सौखी नहीं, सब कुछ बदल गया। पर मेरा घर वाला साधु सिंह बिल्कुल भी नहीं बदलिया, उवें दा उवें ही। प्रीता ना कितने मर गई सी तू, ਕੰਨਾਂ ਚ ਰੂੰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਤੀ ਪਈ ਸੀ? ਛੱਡੋ ਬਾਂਹ ਮੇਰੀ। ਬਾਂਹ ਛੜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਬਾਂਹ ਛੜਾ ਕੇ? ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ, ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਅੱਖਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ? ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ।